जय हिंद क्लास फाइव। तो कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज फोर है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, 4A राउंडिंग ऑफ नंबर्स। देखिए राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो ये चैप्टर है हमारा, सबसे पहले हम जानते हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ ये बता रहा है कि जैसे कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, ठीक है, या नंबर क्या, जैसे मान लो तुम गए सब्जी खरीदने, ठीक है, सब्जी खरीद रहे हो, तुमने आलू गोभी प्याज, ठीक है, धनिया मिर्चा ये सब खरीद लिया, ठीक है, खरीद लिया और टोटल जो सम आया, ठीक है, टोटल सम आया वो आया आपका 94। कितना आ गया? 94 रुपीज़ आ गया। अब आपने क्या किया, आपने 100 रुपीज़ का नोट जो है वो शॉपकीपर को दिया, ठीक है, जो दुकानदार है उसको आपने 100 रुपीज़ का नोट दे दिया। ग्रीन ग्रॉसर कहते हैं जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, ठीक है, तो ग्रीन ग्रॉसर को आपने 100 रुपीज़ का नोट दे दिया और उसने आपको 10 रुपीज़ वापस कर दिया। उसने आपको कितना रुपीज़ वापस किया? 10 रुपीज़ वापस कर दिया। अब 94 रुपीज़ देखिए हुआ है, आपको वापस कितना करना चाहिए था? 6 रुपीज़, लेकिन उसने 10 रुपीज़ वापस कर दिया। अब क्या किया उसने, 94 जो रुपीज़ आ रहा था, 94 रुपीज़, उसने उसको क्या किया, जो एक्चुअल था उसको उसने राउंड ऑफ कर दिया, एक ओवरऑल, एक क्या बोलते हैं, एक मतलब होल नंबर में, होल नंबर वो 94 भी होल नंबर है, होल नंबर इन द सेंस कि एक पूरा यूनिट प्लेस को उसने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, यूनिट प्लेस को क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो एक ओवरऑल मोटी मोटा जिसको बोलते हैं एक सम ले लिया उसने और फिर माइनस करके दे दिया। देखो तो राउंडिंग ऑफ में होता क्या है, इससे कैलकुलेशन करने में, ठीक है, हमें आसानी होती है, हम इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन को और आसान बना देते हैं जब हम राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। 94 को 90 कर लिया तो आसान हो गया, ठीक है, फट से तुरंत 10 रुपये का नोट निकाल के दे दिया, ख़त्म, फिर दूसरे को सामान दिया। तो एक ओवरऑल जो है उसको हम इजी करने के लिए, जो अपना कैलकुलेशन सम है उसको ईजी करने के लिए हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे एक और एग्जाम्पल देखो, अगर कोई एज पूछ दे कि आपकी एज क्या बताइए, तो हम सीधे कह देंगे 23 ईयर्स कह देंगे। अगर कोई मुझसे पूछा तो हम बोलेंगे 23 ईयर्स। अब ये नहीं ना कहेंगे कि 23 ईयर्स 11 मंथ 15 डेज, ठीक है, इतना आर, इतना मिनट, इतना सेकंड, ये सब तो बताएंगे नहीं, इतना सब तो बताएंगे नहीं कि इतना साल, इतना महीना, इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकंड, ये सब पूरा बताएंगे नहीं। हम एक ओवरऑल राउंड ऑफ करके बता देंगे कि 23 ईयर्स एज है, ठीक है, राउंड ऑफ करके बता दिया कि 23 ईयर्स एज है। तो एक बोलते ना कैलकुलेशन करने में, समझने में आसानी हो जाती है, तो ये राउंडिंग ऑफ है, ठीक है। अब आइए अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं, अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4A। इसमें हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है, कैसे करना है ये सीखा जाए, समझा जाए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इसमें पार्ट लिखा नहीं है, ढेर सारा है, तो हम नंबर लेते हैं 1, 2, 2, 5, ये जो है इसको ले लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10। तो देखिए राउंड ऑफ करने के लिए जैसे 94 को 90 बदल दिया, ठीक है, इस तरीके से, और अगर 99 होता है, 99 पॉइंट देखोगे जब तुम कभी कभी लेने जाओगे, दवा वगैरह लेते हैं, तो उस पर अगर इस तरीके से दे दिया है कि 49.50, तो 49.50 है, तो ओवरऑल हम क्या कर लेते हैं, ओवरऑल इसको 50 ले लेते हैं, 50 रुपीज़ ले लेते हैं और फिर बाकी बचा हुआ दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो नज़दीक हो, जैसे 49 किसके नज़दीक है, किसके 50 के, तो उसको 50 में राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हमें करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, तो राउंड ऑफ कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे पीछे आएंगे, कुछ तो होगा जिसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ समझो। तो जो बीच की जो कड़ी है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 को नहीं मिलोगे तो भी चलेगा, 0 छोड़ दो। तो जो मिडिल टर्म है, ठीक है, जो मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म क्या आएगा, ये 5, मिडिल टर्म क्या आएगा, 5। अब इसी 5 से ही हम कंपेयर करते हैं, इसी 5 से हम कंपेयर करेंगे कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे,
यानी कि हमें रिड्यूस करना है कि इंक्रीज करना है, बढ़ाना है कि घटाना है, इसी 5 से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर 5 या 5 से अधिक होता है, यहां से हम लोग इंक्रीज करना शुरू करते हैं। 5 या 5 से अधिक अगर हो तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। और 5 से स्मॉलर हो यानी 4 से, जब 5 से कम हो तो हम डिक्रीज कर देते हैं, 4, 3, 2, 1 इसमें से अगर कोई हो तो हम उसको डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आया? तो किस नंबर से हम करते हैं, किसको सेंटर मानते हैं, 5 को मानते हैं और उसी से ऊपर नीचे यानी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, तो देखिए नियरेस्ट 10 करना है तो हम किससे कंपेयर करेंगे, 5 से कंपेयर करेंगे। तो किस, देखो नियरेस्ट 10 करना है तो 10 करना है तो हम चेक करेंगे यूनिट प्लेस को। किसको चेक करेंगे? यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस को ही कंपेयर करेंगे। भाई बता दे रहे हैं, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है तो यूनिट प्लेस को आप कंपेयर करेंगे, यूनिट प्लेस को आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं, सिंस द यूनिट प्लेस डिजिट इज 5 यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 5 है, सो द नंबर 1225 इज राउंडेड ऑफ टू 1225 किस में बदल जाएगा। तो अब देखो, अगर मैंने क्या बताया था, सिंस द यूनिट प्लेस डिजिट इज 5, 5 या 5 से अधिक हो तो उसको इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखो यहां ध्यान से समझना, बढ़ा देंगे तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, 5 या 5 से अधिक रहेगा तो यूनिट प्लेस को 0 कर देंगे, यूनिट प्लेस को 0 कर देते हैं, 0 हो गया। इंक्रीज करना है, हमें बढ़ाना है, तो जब भी यूनिट प्लेस 5 या 5 से अधिक हो तो यूनिट प्लेस को 0 कर देंगे और टेंस प्लेस में 1 प्लस कर देंगे। 5 या 5 से अधिक हो तो यूनिट प्लेस को 0 कर देंगे और टेंस प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा और बाकी ये 1, 2 ऐसे ही राइट हो जाएगा। तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे सो द नंबर 1225 इज राउंडेड ऑफ 2, राउंडेड ऑफ 2 1230, राउंडेड ऑफ 2 नियरेस्ट 10 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट 10 करना है, राउंडेड ऑफ 2 नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 जब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1230, ये आपका राउंड ऑफ करने पे आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे है आपका 19, ठीक है 19 देखते हैं, ठीक नंबर डाल लेना भाई तुम लोग, ठीक है नंबर डालना, इसमें नंबर दिया नहीं है, ABCD डाल लेना। तो हम 19 को लेते हैं, तो 19 को लेते हैं तो सिंस यहाँ वही राइट करेंगे, सिंस द यूनिट प्लेस डिजिट इज क्या है 9, ठीक है 9 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 5 से, यहाँ पे 5 के इक्वल लिख देना, सिंस द यूनिट प्लेस डिजिट इज, ठीक है ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, सो 19 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इक्वल टू, 19 को जब राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10, तो देखो मैंने क्या बताया कि 5 या 5 से ग्रेटर हो, 5 या 5 से ग्रेटर, तो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया, और टेंस प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, टेंस प्लेस में 1 ऐड कर देंगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ करते ही कितना आ जाएगा, 20, राउंड ऑफ करते ही कितना आ जाएगा, 20। बात समझ में आ रहा है, राउंड ऑफ करते कितना आ जाएगा, 20। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एक और प्रॉब्लम जो है कि 64 को देखते हैं, किसको 64 को, तो 64 को जब हम देखेंगे, ठीक है 64 को देखते हैं, तो 64 है तो यहाँ पे क्या तुमको मिलेगा, यहाँ पे तुमको मिलेगा 4,
फोर जो कि क्या है, स्मॉलर है फाइव से, फाइव से स्मॉलर है, तो जो नंबर है, सो 64 इज राउंडेड ऑफ, 64 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे 64 को, तो अब देखो ये 5 से छोटा है, 5 से क्या है स्मॉलर है, तो 5 से अगर स्मॉलर हुआ तो हम यूनिट प्लेस को 0 अभी भी करेंगे, यूनिट प्लेस को 0 अभी भी करेंगे, तो यूनिट प्लेस को कर देते हैं 0, लेकिन टेंस प्लेस में कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि हमें डिक्रीज कर देना ना, घटा देना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 4 को 0 कर देंगे, 0 हो गया, अब बाकी कुछ नहीं, बाकी जो है वैसे ही राइट कर देंगे 60। बात समझ में आना, क्लियर हो रहा है कि नहीं बात, 5 या 5 से अगर ग्रेटर होता है, 5 या 5 से ग्रेटर, तो हम यूनिट प्लेस को 0 करेंगे लेकिन टेंस प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, तो इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर 5 से स्मॉलर है, जैसे मैंने बताया था ना कि 4, 3, 2, 1 इस तरीके से अगर यूनिट प्लेस पे है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे, मतलब यूनिट प्लेस को 0 कर देंगे और बाकी जो है नंबर उसी को, बाकी जो डिजिट है वो वैसे ही राइट कर देंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस को हमने 0 कर देना है। क्लियर है? चलिए भाई, ये तो हो गया नियरेस्ट 10। अब अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी राउंडेड डाउन टू 140, कितने नंबर्स को हम 140 कर सकते हैं, 140 में बदल सकते हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनको हम 140 में बदल सकते हैं, राउंड ऑफ करके 140 ला सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, इरेज कर दिया जाए, वन फोर्टी लाना है, तो सबसे पहले तुम लिखेंगे क्या, गिवन गिवन राउंडेड ऑफ नंबर, पहले से जो राउंडेड ऑफ किया हुआ नंबर है वो हमारे पास है 140। अब ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको राउंड ऑफ करेंगे तो 140 बदल जाए, 140 में आ जाए, ठीक है। सो the required numbers can be rounded off, so the required numbers can be rounded off, rounded down to 140, okay, rounded down to 140, ऐसे कितने numbers हैं जिनको कि हम 140 तक round off कर सकते हैं, 140 कर सकते हैं, तो देखो 140 करना है तो 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो अगर हम लेते हैं 135, देखो लोगे तो 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 5 है यहाँ पे, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 0 और इसको प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 140 आ रहा है राउंड ऑफ करने पे, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करेंगे तो 140 आएगा, ठीक, तो 135 हो गया, ठीक है, तो समझ गए ना, बात को समझ में आ रहा है कि 135 यानी 5 से ग्रेटर, 5, 6, 7, 8, 9 इनको राउंड ऑफ करेंगे तो 140 तक पहुंच जाएगा, तो 140 लाना है, तो 35, 36, 37, 38 and 39, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, 35, 36, 37, 38 and 39 यही वो नंबर्स है जिनको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड डाउन करेंगे तो 140 में आ जाएगा, 140 में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी राउंडेड अप टू 380, कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम 380 ये राउंड ऑफ करके बना सकते हैं, 380 बनाना है, देखो 80 बनाना है, जैसे 140 था तो 40 था तो 35 से शुरू किया, 80 है तो कहाँ से शुरू करोगे, 375, 76, 77, 78, 79, 375 से लेके 379 तक ही ऐसे नंबर्स हैं जिनको राउंड ऑफ करने पे 380 आ जाएगा, आएगा ना, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, यही स्टेटमेंट रहेगा, इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 की तरह है, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, राउंड ऑफ करना है फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10 हमने पढ़ा, अब हमें करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, इसको रेस किया जाए,
नियरेस्ट 100, ठीक है, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, लिख लीजिएगा, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 करना है हमें, तो लेते हैं भाई प्रॉब्लम, लेते हैं फर्स्ट 48033, ये नंबर हमने ले लिया, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। अब ध्यान से समझिए, नियरेस्ट 10 करना था, देखो ये है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, नियरेस्ट 10 करना था तो यूनिट प्लेस को चेक करते थे हम लोग, यूनिट प्लेस को चेक करते थे, ठीक है। अब नियरेस्ट 100 करना है तो नियरेस्ट 100 करने के लिए कौन सा प्लेस चेक करेंगे, टेंस प्लेस चेक करेंगे, और इसका भी कंपेयर किससे कराएंगे, 5 से ही कराएंगे। नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस प्लेस को चेक करेंगे और इसका कंपैरिजन 5 से कराएंगे, ठीक है। सिंस द टेंस प्लेस डिजिट इज, टेंस प्लेस डिजिट क्या है, 3 है, 3 जो है स्मॉलर है 5 से, 3 जो है स्मॉलर है 5 से, सो 48033 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इक्वल टू, नियरेस्ट 100 जब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, देखो ये यूनिट और टेंस, यूनिट और टेंस ये दोनों क्या हो जाएगा, 0,0, क्योंकि हमें टेंस प्लेस को चेक करना था, टेंस प्लेस हमने चेक किया, टेंस प्लेस पे है 3 जो है वो 5 से स्मॉलर है, तो हमको पता है कि अगर स्मॉलर होता है तो सिंपली हमको क्या करना है, 0 बस कर देना है, अगर स्मॉलर होता है तो 0 कर देना है, तो बस हमें 0 कर देना है। लेकिन कौन कौन सा प्लेस 0 करेंगे, यूनिट और टेंस, यूनिट और टेंस प्लेस को 0 कर देना है, तो यूनिट और टेंस प्लेस को 0 कर देंगे तो यह आएगा 48000, ये तुम्हारा हो गया राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 हमने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, एक और प्रॉब्लम 149 को लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 149 को लेते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए, 149 ये हमारे पास नंबर है, 149 में 4 जो है वो किस पे है, टेंस प्लेस पे है, 4 जो है वो स्मॉलर है 5 से, तो 149 को राउंड ऑफ करेंगे तो किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर है तो सिंपली हमें 0 कर देना है यूनिट और टेंस प्लेस को, तो ये हो जाएगा 100 में बदल जाएगा, सिंपल है ना, 100 में बदल गया। 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो बस जहां छोटा मिला तुम्हें वहां यूनिट और टेंस प्लेस दोनों बस 0 कर देना है, बाकी जो बचा है वो वैसे ही राइट कर देना है, क्लियर है। एक और देख लेते हैं, 992 ये नंबर है हमारे पास, टेंस प्लेस पे है 9 जो है वो क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो जब ग्रेटर हो गया तो हम क्या करेंगे, यूनिट और टेंस प्लेस को तो 0 करेंगे ही करेंगे, यूनिट और टेंस प्लेस को तो 0 कर देंगे, पहले कर दिया हमने, ग्रेटर होता है तो 1 प्लस करते हैं, तो 100 प्लेस में 1 प्लस करेंगे तो 9 + 1 = 10 हो जाएगा, तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 992 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 तो आएगा 1000, क्या आ जाएगा, 1000। देखो बहुत सिंपल फंडा है, एकदम बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि टेंस प्लेस को बस चेक करना है, ग्रेटर है कि स्मॉलर है ये चेक करना है, स्मॉलर रहेगा तो बस 0,0, ग्रेटर रहेगा तो 0,0 तो करना ही करना है यूनिट टेंस प्लेस पे, लेकिन 1 ऐड कर देना है 100 प्लेस पे, ठीक है। ये हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 क्वेश्चन जो है वो करना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, तो आइए 1000 राउंड ऑफ करते हैं।
नियरेस्ट 100 की जगह अब यहाँ हम लिखते हैं नियरेस्ट 1000। करना वही है, कोई नया चीज़ नहीं है, सेम यही सब प्रोसेस है। ठीक है, नियरेस्ट थाउजेंड करना है। ठीक है, 1000 में एक नंबर लेते हैं 46, पहला ही लेते हैं, क्या है 4628। अब नियरेस्ट 1000 करना है, तो देखो ये है यूनिट, टेंस, 100 और ये है 1000। 1000 करना है तो 100 प्लेस चेक करेंगे उसके पहले वाला। ठीक है, टेंस करना था तो यूनिट चेक करते थे, 100 करना था तो टेंस चेक किया, 1000 करना है तो 100 करेंगे। तो 100 प्लेस पे है 6 जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर हो गया, बस राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000 जब करेंगे तो अब यूनिट, टेंस और 100 तीनों प्लेस को जीरो कर देंगे, क्योंकि 1000 में बदलना है, हमें 1000 में बदलना है, तो यूनिट, टेंस, 100 तीनों जीरो होना चाहिए, तो यूनिट, टेंस, 100 तीनों जीरो हो गया। ठीक, ग्रेटर है तो 1000 में 1 प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 1000 तो ये बदल जाएगा 5000। ठीक, एक और प्रॉब्लम देखते हैं नियरेस्ट 1000 का राउंडिंग ऑफ में, 222 5 times 2 है, इसको देखते हैं। ठीक है, 5 times 2 है 2 जो है वो क्या है भाई, 2 जो है वो 5 से स्मॉलर है, 5 से क्या है, स्मॉलर है, 2 जो है वो 5 से स्मॉलर है, तो जब स्मॉलर हो जाएगा तो यूनिट, टेंस और 100 ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और 1000 में 1 प्लस हो जाएगा, तो 2 plus 1 3 हो गया और ये 2, यानी जब इसको राउंड ऑफ कर दिया तो कितना आया, 23000 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, सिंपल कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, नियरेस्ट लैक को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ नियरेस्ट लैक करते हैं, लैक कर दिया, इसको हटा दिया, यहाँ पे इसको भी इरेज़ कर दिया, ये भी हट गया, कि नियरेस्ट लैक है तो 1000 की जगह हम लोग लैक कर देते हैं, लैक कर दिया हमने। करना वही है, प्रोसेस एकदम वही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब लैक पे करना है तो देखिए कौन सा डिजिट चेक करेंगे, तो एक उठाते हैं नंबर, ये क्या भाई, 5 4 और 5 times 9 है, 1 2 3 4 5, 5 times 9 है। ठीक है, देखो नियरेस्ट लैक करना है तो ये है यूनिट, टेंस, 100 1000 10000 और लैक। ठीक है, 10 लैक, तो लैक नियरेस्ट लैक राउंड ऑफ करना है, तो उसके पहले क्या है 10000, तो 10000 वाले प्लेस को देखेंगे। ठीक है, 10000 वाले प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे टेंथ प्लेस, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे हमने इरेज नहीं किया था, तो टेंथ प्लेस की जगह क्या लिखोगे, 10000, क्या लिखोगे, 10000 प्लेस, 10000। ठीक है, सिंस द 10000, सिंस द 10000 प्लेस डिजिट इज 10000 प्लेस डिजिट इज 9 जो कि ग्रेटर है 5 से, इसके पहले वाले में थोड़ा सा वो कर देना, सही कर लेना स्टेटमेंट, वहाँ पे 10 प्लेस ही लिखा रह गया था, 10 नहीं होगा भाई, जो आप कंपेयर करेंगे बस वो लिख देना है। जैसे नियरेस्ट 1000 करना था तो सिंस द 100 प्लेस डिजिट, 1000 वाले में 100 प्लेस डिजिट हो जाएगा, और 100 वाले में टेंस, तो 100 वाले में टेंस तो है ही, 1000 वाले में बस आपको चेंज करना होगा, 1000 वाले में आपको वहाँ लिखना होगा 100 प्लेस डिजिट। ठीक, अब हमें लैक करना है, तो लैक के लिए हम कौन सा प्लेस देखेंगे, सिंस द 10000 प्लेस डिजिट, कौन सा, 10000 प्लेस पे जो डिजिट है वो, तो क्या है 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, सो 5 4 और 5 times 9 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लैक, नियरेस्ट लैक पे जब राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए
यूनिट टेंस 100,000 10,000 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो कर लिया। ग्रेटर है तो 1 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो गया, और ये 5 यहाँ बचा हुआ जो है। तो 55 लाख जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो कितना आया, 55 लाख राउंड ऑफ करने पे आ गया। क्लियर है, एकदम बात समझ में आ गई है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पे, 505051। कौन सा प्लेस, 10,000 प्लेस, तो यूनिट टेंस 100,000 10,000 10,000 प्लेस पे है, 0 0 जो है वो क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर है। सो अगर स्मॉलर हो गया तो सीधे लिखेंगे 505051 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लैक, क्या हो जाएगा, तो ये सब जीरो हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 ठीक है, 1 2 3 4 जीरो हो गया। स्मॉलर है तो कुछ करना नहीं है, क्या बचा, 5 बचा है तो 5 लिख दिया, हो गया नियरेस्ट लैक राउंड ऑफ हो गया भाई, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से बाकी बचा हुआ पार्ट आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन 7 है नियरेस्ट मिलियन, किसमें करना है, मिलियन में। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट मिलियन, MILLION नियरेस्ट मिलियन, नियरेस्ट मिलियन पे राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ अब हम चेंज करते हैं मिलियन, ठीक है, प्लेस भी चेंज करते हैं क्योंकि प्लेस भी चेंज हो जाएगा, नियरेस्ट मिलियन है तो मिलियन है तो देखते हैं कौन सा प्लेस करना है हमें चेक। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं, 5 5 3 6 8 1 8 मिलियन इंटरनेशनल में चले गए हम लोग, तो यूनिट टेंस 100,000 10,000 million और मिलियन। तो मिलियन के जस्ट पहले क्या आ रहा है, 100,000 प्लेस, तो यहां लिखेंगे सिंस 100,000 प्लेस डिजिट इज, 100,000 प्लेस डिजिट क्या है, 5 है, जो कि 5 के ही इक्वल है। सो 5 5 3 6 8 1 8 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मिलियन, नियरेस्ट मिलियन पे राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 100,000 तक सब जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सब जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सब जीरो हो गया। अब देखिए 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर हो तब हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ना, इंक्रीज कर देते हैं। तो 1 प्लस जब कर देंगे इसमें तो 5 की जगह हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये राउंड ऑफ होके 6 मिलियन में बदल गया। इसको मिलियन में जब राउंड ऑफ किया तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो करना सब में वही है, बस हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, जो प्लेस जो हम चेक कर रहे हैं बस इसको चेंज करना है, ठीक। कंपेयर 5 से ही करना है, स्टेटमेंट वही घिसा पीटा जो अभी चलता आ रहा है वही चल रहा है, बस यहाँ पे मिलियन है ये सब बस चेंज होता जा रहा है, ठीक, बाकी सारा प्रोसेस वही है, कुछ नया नहीं। तो वही चीज़ है, इसको भी सॉल्व करिएगा बचा हुआ प्रॉब्लम। अब है नियरेस्ट करोड़, क्वेश्चन नंबर 8 में नियरेस्ट करोड़ पे हमें करना है। तो चलिए आइए भाई, यहाँ पे राइट करते हैं करोड़, फिर हम लोग अगला नंबर लेते हैं, यहाँ पे भी प्लेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक, ये सब तो सेम रहेगा। तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट क्रोर, CROR नियरेस्ट क्रोर, क्रोर पे राउंड ऑफ करना है। तो लेते हैं भाई क्वेश्चन लेते हैं, 8 9 9 3 4 2 1 8 ठीक है, क्रोर के पहले वाला ही चेक करेंगे। तो यूनिट टेंस 100,000 10,000 lakh 10 lakh क्रोर, करोड़ आ गया तो 10 लाख प्लेस चेक करेंगे। तो सिंस
10 लाख प्लेस डिजिट, सिंस 10 लाख प्लेस डिजिट, ठीक है, गैप मत छोड़ना भाई, तुम लोग पूरा लिखना लाइन से, सिंस 10 लाख प्लेस डिजिट इज, क्या है यहाँ पे 9 है, 9 है जो कि ग्रेटर है 5 से, 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, सो 8 9 9 3 4 2 1 8 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट क्रोर, नियरेस्ट क्रोर में जब राउंड ऑफ करेंगे तो देखो पूरा का पूरा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, 10 लाख प्लेस तक पूरा जीरो, ठीक है, 6 3 3 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 ये हो गया पूरा। अब ग्रेटर है वहां पे तो हम 8 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 करोड़, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ गया 9 करोड़। समझ में आ गया होगा आपको करोड़ में कैसे राउंड ऑफ करना है, वही चीज पूरा देखो वही चीज है, ठीक है, पूरा वही है, सिर्फ प्लेस बदला और यहां पे करोड़ हो गया, क्लियर है, करना वही चीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो 9 है, इसमें कह रहा है विच नंबर जो नीचे दिया हुआ है गिवन बिलो, व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 बिकम 60, ये तो खुद करोगे तुम लोग, इसमें से तुम्हें छांटना है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6060 में बदल जाएगा, 6060 में बदल जाएगा, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 6060 में बदल जाए, 6060 में, तो याद रखना 60 में बदलना है तो 55 से ग्रेटर ही होगा, वही 60 में चेंज होगा, 55 या 55 से ग्रेटर 59 तक वही बदलाएगा, किसमें 60 में, तो छाट लेना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट बिकम नियरेस्ट 100 बिकम 200, ये भी तुम खुद सॉल्व करो, इसमें भी यही छाटना है कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनको राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 100 तो वो 200 में बदल जाए, 200 में बदलना है, तो देखो 200 में तुम्हें बदलना है तो इसका मतलब 55, समझ रहे हो ना, 55 या 55 से ग्रेटर, 55 या 55 से ग्रेटर अगर हो गया तो वही चेंज होगा, देखो 55 इन द सेंस कि 155 की बात कर रहे हैं, 155, ठीक है, 155 से देखो क्योंकि 100 है तो यही प्लेस चेक करोगे टेंस, तो 5 से ग्रेटर होना ही चाहिए, तो इसका मतलब 55 से अगर ग्रेटर है, 55 से ग्रेटर मतलब तुम्हारा 55 हो, 5 हो, 6, ठीक है, 7 8 9 इस तरीके से हो तो तुम्हारा जो है राउंड ऑफ करोगे तो 200 में बदल जाएगा। ये मत समझना कि 55 है तो 160 भी करेंगे तो 160 भी करोगे तो हो जाएगा, 163 तो भी हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो यही चेक करना ना टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस 0 हो, 1 हो, 2 हो, इससे कोई मतलब नहीं, मेन हमें इससे है, तो 155 से ग्रेटर होगा तो सारे के सारे नंबर वो किस में बदल जाएंगे, 155 से लेके 199 तक, 199 तक 200 में बदलेगा, तो छाट लेना है तुमको, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 10 खुद से करना है, छाट के करना है, क्लियर है, मैंने बता दिया है कैसे करना है सॉल्व, तो आपको पता है आपको क्या करना है, ये पूरा एक्सरसाइज 4A अच्छे से वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि राउंडिंग ऑफ कैसे कैसे करना है, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा अपने क्लास कॉपी में, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में, ओके, जय हिंद।